नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमत मंडा और आप देख रहे हैं टेक मराठी एंड हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम बड़ी आसानी के साथ हमारे पिछले 365 डेज का वॉच टाइम आवर्स में चेक कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको इस बात का पता होगा ही, जैसे कि 2018 से लेकर यूट्यूब ने अपनी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि अगर किसी चैनल का मोनेटाइजेशन करना हो या फिर हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में भेजना हो तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें करना ज़रूरी होता है। पहले तो आपके चैनल के 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि आपके चैनल का पिछले एक साल में मतलब 365 डेज में 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर यह दोनों चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए यह दोनों चीज़ें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पता ही होगा कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वह हम बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के नेम के आगे, वह हमें दिख जाते हैं। लेकिन दूसरी ये जो बात है कि हमारा पिछले 365 डेज का जो भी वॉच टाइम है वह हम आवर्स में नहीं चेक कर पाते। तो कितने घंटे का हमारा वॉच टाइम चैनल का कंप्लीट हो चुका है, इसे चेक करने का तरीका आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, यह जो YouTube एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हम हमारा पिछले 365 डेज का वॉच टाइम नहीं चेक कर सकते। तो इसके लिए हमें जाना है पहले ब्राउज़र में। तो मेरे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है, तो इस ब्राउज़र की मदद से मैं अपना YouTube चैनल यहाँ खोल देता हूँ। तो पहले मैं जाऊँगा मेरे गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं पहले नंबर पे YouTube का ऑप्शन है। तो YouTube ओपन करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर जो थ्री डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले आपको उस पर क्लिक कर देना है। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे भी हम डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप में कंप्यूटर में जिस तरह की वेबसाइट हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट यहाँ मोबाइल के अंदर ओपन हो चुकी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके डेस्कटॉप में जब भी हम क्रोम ब्राउज़र या किसी दूसरे ब्राउज़र में जाके यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे ऊपर जाने के बाद यहाँ कोने में साइन इन का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल का जो भी नाम है टेक मराठी एंड हिंदी, इस चैनल का लॉगिन आईडी यहाँ पहले से मैंने एंटर किया हुआ है और इस चैनल पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद जब आपके चैनल के लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको क्रिएटर स्टूडियो नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको जाना है पहले क्रिएटर स्टूडियो पे। तो जैसे भी आप क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बाएं साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हमें जाना है एनालिटिक्स पर। एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ एनालिटिक्स के नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जूम करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले वाला ऑप्शन है वॉच टाइम रिपोर्ट्स, और दूसरा ऑप्शन है वॉच टाइम। तो आपको वॉच टाइम पे क्लिक कर देना है। जैसे भी आप वॉच टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, और वॉच टाइम मिनट्स 41,019, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है उसके नीचे एक ऑप्शन है कंपेयर मैट्रिक, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। कंपेयर मैट्रिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे मोर मैट्रिक्स नाम का एक ऑप्शन है, इस पे हमें क्लिक कर देना है।
और मोर मैट्रिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे वाला ऑप्शन है वॉच टाइम इन आवर्स, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे भी हम वॉच टाइम इन आवर्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे सबसे ऊपर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लास्ट 28 डेज, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको आपके चैनल का वॉच टाइम चेक करने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है लास्ट 365 डेज, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पेज लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं वॉच टाइम इन आवर्स 4754, इतने आवर्स का मेरे चैनल का वॉच टाइम हो चुका है। तो बिल्कुल आपके चैनल का भी आप पिछले 365 डेज का वॉच टाइम यहाँ चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल के नेम के नीचे भी लिखा हुआ है लास्ट 365 डेज फ्रॉम फेब्रुआरी 2nd फेब्रुआरी 2018 से लेकर 1st फेब्रुआरी 2019 तक का पिछले एक साल का वॉच टाइम यहाँ पूरे आवर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यह एक बहुत ही आसान सा तरीका है गूगल क्रोम ब्राउज़र की मदद से हम हमारे चैनल का पिछले 365 डेज का वॉच टाइम बड़ी आसानी के साथ यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।